मैं विनोद चौधरी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज नंबर 19 रोड सेफ्टी एक्सरसाइज का नाम है। इससे जो क्वेश्चन है वो चार नंबर के आते हैं। तो चार नंबर में जो नंबर का डिवाइडेशन है वो है 1+1+2, यानी दो क्वेश्चन आते हैं वो ए पार्ट में आते हैं और एक क्वेश्चन आता है वो बी पार्ट में आता है जो दो नंबर का आता है। तो अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं जो पीछे के एग्ज़ाम यानी 2018 मेन और सप्लीमेंट्री और 2019 मेन और सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ। तो उसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो है इन ए सिटी द फेयर ऑफ ए टैक्सी फर्स्ट किलोमीटर इज 5 रुपीज़ एंड आफ्टर दैट इज RS 3 इफ द डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर एंड फेयर इज वाई देन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये कई बार इक्वेशन का फॉर्म आ जाता है और कई बार इस तरह से एक आगे क्वेश्चन आया 2019 में जिसमें वो किराया पूछ लेता है। तो ये कह रहा है कि एक जो टैक्सी है उसका जो पहले किलोमीटर का तो किराया है वो फिक्स है 5 रुपये, उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगता है। यदि वो टैक्सी है वो एक्स किलोमीटर दूरी तय करती है और कुल किराया वो वाई रुपये लगता है तो उसको आप एक समीकरण के द्वारा दर्शाओ। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन एक नंबर में आया हुआ है तो इसमें कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन कि जो टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर का किराया है वो लिख दिया 5 रुपये और फर्स्ट किलोमीटर के बाद जो किराया है प्रति किलोमीटर वो कितना है 3 रुपये लिख दिया। अब डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है वो एक्स किलोमीटर और टोटल जो फेयर है जो कुल किराया कितना है वाई रुपये है। तो यहाँ पे देखिए कि जो कुल किराया है वाई वो किसके बराबर होगा कि पहले किलोमीटर का तो 5 रुपये लग रहा है तो 1 × 5 ये पहले किलोमीटर का हो गया, फिर प्लस अब कुल किलोमीटर कितने हैं एक्स है तो पहले किलोमीटर का किराया तो 5 रुपये लग गए हैं, अब बाकी कितने बच गए हैं रिमेनिंग एक्स माइनस 1 किलोमीटर बच गए। जैसे मान लो कुल किलोमीटर 15 हो और 15 में से 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये हो तो बाकी कितने बचेंगे 15 माइनस 1, तो यहाँ एक्स था कुल तो एक्स माइनस 1 इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, क्योंकि जो बाकी किलोमीटर बचेंगे उसका प्रति किलोमीटर के हिसाब से 3 रुपये लग रहा है तो एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से होगा। तो y इज इक्वल टू 5 का 1 से करेंगे तो 5 प्लस 3 का x से होगा तो 3x और 3 का 1 से होगा तो ये -3। अब इक्वेशन का फॉर्मेशन देने के लिए y इज इक्वल टू 5 और ये जो 3 है ये सब्ट्रैक्ट होगा 3 इसमें से तो कितना बचेगा 2, तो y इज इक्वल टू 3x+2। अब x y और ये कॉन्स्टेंट तीनों अगर एक साइड में रखकर इक्वल टू 0 वाला लाना चाहते हो तो ये 3x इधर आएगा तो 3x पॉजिटिव हो जाएगा और 2 इधर पॉजिटिव है और y को आप अगर इस साइड लेके जाते हो तो y हो जाएगा नेगेटिव तो 3x-y+2 ये इक्वेशन का फॉर्म बन गया है तो इज इक्वल्स टू में कितना हो गया है 0। तो इस तरह इक्वेशन का फॉर्म भी पूछ सकता है आपको और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में उसमें आपको किराया भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। ये 2018 मेन एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है तो इस तरह का क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो सकता है तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा। आगे का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये भी एक नंबर में पूछा हुआ है, 10वां क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज नंबर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एपी के भी क्वेश्चन है और ये इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है वो एक्सरसाइज नंबर जो 8 है उस टाइप का क्वेश्चन है अपने। तो इसमें कह रहा है कि जो एलिवेशन एंगल ऑफ कैमरा सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ पोल फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 60, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो कह रहा है कि एक जो पोल है उससे 20 मीटर दूर एक बिंदु है, उस बिंदु से जो एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है तो आप उस पोल की हाइट बताना है। तो यहाँ पे ये ए बी पोल हो गया है, इस बी बेस से ये पॉइंट सी है वो 20 मीटर की दूरी पर है और ये एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है और ये पोल की हाइट हो गई है एच। तो पी एच पी वाले फॉर्मूले से ये परपेंडिकुलर और ये बेस है तो इन दोनों में टेन का रिलेशन होता है और टेन कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 क्या होता है पी अपॉन बी, तो एच अपॉन 20 आ गया। टेन 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 20, एच की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो एच इज इक्वल टू 20√3, 20 × √3 के वैल्यू पुट करोगे तो 1.732 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.64 मीटर आ गया, यानी उस पोल की हाइट कितनी हो गई है 34.64 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है तो इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो। अब ये क्वेश्चन है वो सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर पूछे हुए हैं दोनों क्वेश्चन। तो सप्लीमेंट्री के अंदर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ POC, तो POC की आपको फुल फॉर्म बतानी है तो इसकी फुल फॉर्म है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल।
तो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आप इसको हिंदी में लिख सकते हो या पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी की फुल फॉर्म है। अब अगला जो क्वेश्चन एक नंबर में पूछा हुआ है सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर, तो फाइंड द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल इफ ए रिएक्शन डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो यहाँ पर आपको ब्रेकिंग रिएक्शन और स्टॉपिंग इस टाइप का क्वेश्चन है, वो एक ओनली इक्वेशन भी पूछ सकता है, कह सकता है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, अदरवाइज इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू देकर के आपको तीसरी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये पूछा हुआ है, रिएक्शन और ब्रेकिंग दोनों दिए हुए हैं। तो ये फॉर्मूला होता है रिएक्शन प्लस ब्रेकिंग इज इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, रिएक्शन डिस्टेंस है वो कितनी है 2 मीटर है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी है 1 है। तो स्टॉपिंग क्या हो जाएगा, रिएक्शन कितनी है 2 प्लस ब्रेकिंग कितनी है 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू देकर के आपको तीसरी वैल्यू पूछ सकता है या इन तीनों में आपको ओनली रिलेशन पूछ सकता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट जो एक नंबर का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2019 मेन के अंदर पूछा हुआ है, तो उसमें से ये क्वेश्चन है, जैसे अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था वो तो इक्वेशन का फॉर्म दिया हुआ था और यहाँ पर वो आपको किराया पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक कार है उसका जो पहले किलोमीटर का किराया वो तो 20 रुपये है और पहले किलोमीटर के बाद में प्रति किलोमीटर का कितना किराया लग रहा है 11 रुपये लग रहा है। तो आप बताओ कि उसका जो 15 किलोमीटर का किराया है वो कितना लगेगा, ये पूछा है आपको। तो इसको आप एपी की तरह से भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप उसको बीजगणित रूप में भी आप कर सकते हो। तो एपी की तरह करने के लिए ये क्वेश्चन एपी की तरह भी किया हुआ नीचे और ये अपना डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो। तो उसमें आप इसकी हेडिंग लिख दो भी फर्स्ट किलोमीटर का कितना किराया है 20 रुपये है, फर्स्ट किलोमीटर के बाद कितना किराया है 11 रुपये है, टोटल कितने किलोमीटर चल रहा है वो टैक्सी 15 किलोमीटर चल रहा है। तो टोटल किराया क्या होगा कि पहले किलोमीटर का 20 रुपये है, तो 1 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 20 से करेंगे क्योंकि ये पहले किलोमीटर का किराया ये फिक्स हो गया है। अब प्लस में अब 1 किलोमीटर चलने के बाद अब टोटल अपने को 15 किलोमीटर चलना है, तो 15 में से एक कम हो गया क्योंकि 1 किलोमीटर है उसका किराया लग चुका है 20 रुपये। अब बाकी कितने किलोमीटर बचेंगे 14 बचेंगे, तो उसका मल्टीप्लाई किससे होगा 11 से होगा क्योंकि जो 1 किलोमीटर चलने के बाद उसका जो किराया है वो कितना लग रहा है 11 रुपये लग रहा है। तो 15 - 1 का गुणा किससे होगा 11 से होगा, तो ये 20 का 1 से करेंगे तो 20 + ये 14 * 11 से होगा तो ये 154 आ गया। तो 20 में 154 जोड़ेंगे तो 174 रुपये आ गया है। तो इस तरह से ये इक्वेशन का फॉर्म भी पूछ सकता है आपको और इस तरह वो किराया भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा हुआ है तो 2018 वाला फॉर्म आपको दोबारा रिपीट कर सकता है। उसको एपिक ट्रैक करोगे तो कैसे करोगे, देखिए पहले किलोमीटर का किराया जो 20 रुपये है इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म 20 हो गया, उसके बाद 11 रुपये हर किलोमीटर का लग रहा है इसका मतलब 11 है वो हर बार एड हो रहा है। तो 11 का डिफरेंस चल रहा है आगे के किराए में, तो 11 का डिफरेंस चल रहा है तो ये डी की वैल्यू हो गई। तो आप पहले पद में डी जोड़ोगे तो ये दूसरा पद आ गया 31, इसमें 11 जोड़ोगे तो 42, इस तरह से ये आगे किराया के लिए अपना एपी बनती जाएगी। अब इसमें पहला पद हो गया 20, डी कितना है कॉमन डिफरेंस है वो 31 में से 20 माइनस करोगे तो 11, ये कह रहा है 15 किलोमीटर का बताना है, तो ये पहले किलोमीटर का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे का हो गया, इस तरह आगे चलते चलते यानी 15वें नंबर पे जो पद आएगा वो कौन सा होगा वो आपको बताना है, यानी अन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 है क्योंकि आपको 15वां पद बताना है, 15th टर्म बताना है कि 15th टर्म पे जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे अन की वैल्यू कितनी है 15 है, तो अन की वैल्यू 15 दे रखी है, ए की दे रखी है, डी की दे रखी है, आपको ए अन की निकालनी है। ये अस अन नहीं पूछ रहा, ये चीज़ ध्यान रखना। उसने कहा है कि जो 15 किलोमीटर है ना उसका आपको बताना है कितना फेर लगेगा। तो यानी 15 अगर वो पूछता कि 1 से 15 तक का कुल किराया कितना लगता है तब आपको वो टोटल बताना है। उसमें कहा है कि उसने 15 किलोमीटर का कितना किराया लगेगा, तो 15वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो आपको बताना है। तो ए 15 क्या होगा, ए प्लस अन माइनस वन क्या है 15 - 1 होगा तो ए कम हो गया, तो ये कितना हो गया 14d हो गया। तो ए 15 क्या होता है, ए प्लस 14d, तो ए 15 हो गया 20 + 14 मल्टीप्लाई डी कितना है 11, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 में 28 करेंगे तो 174। तो इसको आप एपी की तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां हैं पिछले साल की उसमें आप देख सकते हो दोनों ही तरह से किए हुए हैं और दोनों ही तरह से जो क्वेश्चन किए हैं उनको सही किया गया है। तो आप दोनों में से कोई भी आप फॉर्म कर सकते हो। आगे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि काइट इज फ्लाइंग, ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का पूछा हुआ है, तो 2018 में भी ट्रिग्नोमेट्री से पूछा हुआ था एक नंबर वाला और यहाँ पर भी एक्सरसाइज नंबर 8 से पूछा हुआ है। तो एक काइट इज फ्लाइंग ऑफ हाइट ऑफ 75 मीटर, यानी एक पतंग है वो 75 मीटर हाइट पे उड़ रही है,
और वो ग्राउंड से जो अटैचमेंट है वो जो धागा वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि जो धागा था जो पतंग उड़ाने में यूज हो रहा था उसकी क्या लेंथ है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ये उस पतंग के लिए हाइट हो गई है AB और ये स्ट्रिंग है जो धागा है AC। तो यहाँ पर इस धागे को एकदम स्ट्रेट लिया गया है क्योंकि अगर धागा स्ट्रेट नहीं है तो जब पतंग उड़ती है तो इस तरह से वो यू आकार में होता है, लेकिन इसने जो धागे को है वो एकदम स्ट्रेट कंडीशन में माना है। तो ये उसकी लेंथ हो गई है X, ये उसकी हाइट हो गई है जितनी हाइट पर पतंग उड़ रही है, और जो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो जो स्ट्रिंग है वो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC हो गया। यहाँ पर आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है क्योंकि धागे की लंबाई बतानी है, तो धागे की लंबाई है वो किसका काम करेगी, करण का काम करेगी। तो आपको ये एक्स का मान बताना है। तो यहाँ पे 60 डिग्री के लिए ये 75 तो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। पी और एच में किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो ये साइन कितना है, 60 डिग्री, तो पी अपॉन एच, तो 75 अपॉन एक्स हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इज इक्वल टू 75/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का x से मल्टीप्लाई होगा, 75 का 2 से होगा, तो 150 हो गया। x का आंसर निकालना है तो √3 इधर अपॉन में आएगा, 150 अपॉन कितना हो गया, √3 हो गया। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 150 का मल्टीप्लाई √3 से हो गया, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो गया तो कितना आ गया, 3 कैंसिल करेगा 150 को तो ये आ गया 50। तो क्या आ गया, 50 का मल्टीप्लाई √3 से हो रहा है, तो 50 × में √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732। अगर आप आंसर रूट में रखना चाहते हो तो 50√3 लिख सकते हो, अदरवाइज आपको √3 की वैल्यू मालूम है तो आप ये पुट कर सकते हो। तो 50 का मल्टीप्लाई 1.732 से करेंगे तो आ जाएगा 86.6। तो जो स्ट्रिंग था उसकी लेंथ कितनी है, 86.6 मीटर। तो ये जो दो बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं जो एक्सरसाइज 8 है उस टाइप से, एक एक नंबर के क्वेश्चन, कई बार ये हाइपोटेनस पूछ लेता है, कई बार ये परपेंडिकुलर पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है रोड सेफ्टी में इसको भी ध्यान से कीजिएगा। अब जो सप्लीमेंट्री 2019 के एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी अपने एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सिग्नल पे जो लाइट लग रही है वो कोई अगर साधन उसको क्रॉस करता है तो 2, 6, 10, और 14 सेकंड में उनको क्रॉस कर रहा है, तो फाइंड देन सीरियल नंबर ऑफ सिग्नल लाइट क्रॉस्ड इन 50 सेकंड। तो 50 सेकंड में वो कौन से सिग्नल को पार करेगा, तो ये आपको बताना है। तो यानी ये पहले सिग्नल पे वो 2 सेकंड में पहुंच रहा है, दूसरे पे 6 में, तीसरे पे 10 में, चौथे पे 14 सेकंड में, ऐसे चलते चलते अगर 50 सेकंड हो जाए तब वो कौन से सिग्नल को पार कर रहा होगा, कोई भी गाड़ी है या कोई व्यक्ति है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो 2, 6, 10, 14 ये AP की सीरीज चल रही है, और यहाँ पे उसने कहा 50 सेकंड में कौन से सिग्नल को पार करेगा, इसका मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू आपको पूछी है, अन की वैल्यू पूछी है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पे सीरियल नंबर जो पूछा है वो अन है यहाँ पे, तो अन की वैल्यू आपको निकालनी है। ये 50 सेकंड क्या है, ये AN की वैल्यू है, क्योंकि आगे जो चलते चलते 14 के बाद आगे जैसे इसमें डिफरेंस 4 का चल रहा है, तो 18, 22 ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं बीच में 50 आएगा, तो उस 50 सेकंड में वो कौन से सिग्नल को पार करेगा, ये आपको बताना है। अगर आप डायरेक्ट इसको ओरल की तरह करो तो 14 के बाद ऐसे 18, 22, तो इस तरह 50 तक पहुंचो तो कौन सा नंबर वाला टर्म आए ये भी आप मालूम कर सकते हो। अदरवाइज इसको अपन फॉर्मूले से करना है, तो ये A की वैल्यू 2 हो गई है, और AN की वैल्यू कितनी है, 50 है, D कितना है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो गया। अन आपको फाइंड आउट करना है, AN की वैल्यू 50 है, तो AN का क्या फॉर्मूला है, A+(n-1)×D इज इक्वल टू कितना है, 50 है, अपने पास A कितना है, 2 है, प्लस अन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n-1 × में D कितना है, 4 है, इज इक्वल टू 50 है। तो 2 प्लस आप चाहो तो डायरेक्ट 2 को इस साइड ट्रांसफ़र करके और फिर आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज 4 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, दो ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n-4 का 1 से करेंगे तो 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। अब यहाँ पे देखिए 4n, ये 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 50 हो गया। तो 4n, ये 2 को आप राइट साइड में ट्रांसफर करोगे तो 4n इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 52 हो गया। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर
ट्रांसफर होगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया, यानी अन की वैल्यू 13 हो गई है। तो कोई गाड़ी या व्यक्ति है वो 50 सेकंड जब होंगे तो वो 13 नंबर सिग्नल पे होगा, तो 13 नंबर सिग्नल को वो पार कर देगा। तो सो द सीरियल नंबर ऑफ सिग्नल लाइट इन 15 सेकंड बाय ए कार, तो कितना होगा वो 13 होगा, वो 13 वाले सिग्नल को पार कर रहा होगा। अब वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है PUC की फुल फॉर्म, तो PUC की फुल फॉर्म क्या होती है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो इस तरह से क्वेश्चन वापस 2018 में भी आया हुआ है, 19 सप्लीमेंट्री में रिपीट हो गया है। तो जो बुक्स चेंज होने के बाद 18 मेन सप्लीमेंट्री, 19 मेन और सप्लीमेंट्री, तो ये चार टाइप के पेपर हैं, इनके आप पेपरों को देख लीजिए जिससे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे, अभी जो अपन ने किए वो एक एक नंबर वाले किए थे, एक एक नंबर वाले अपन ने, अब ए पार्ट के अंदर दो दो क्वेश्चन आते हैं तो चार पेपरों के 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो बी पार्ट है उसमें दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो दो दो नंबर के प्रत्येक चार पेपर है अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 होता है वो दो नंबर वाला आता है। तो ये चार क्वेश्चन अपन 2018 के दो क्वेश्चन मैन सप्लीमेंट्री के और 2019 के दो क्वेश्चन, तो ये अपन करेंगे। तो 2018 के अंदर क्या पूछा हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि एक जो कैमरा है वो कैमरा एक पोल पे लगा हुआ है 24 मीटर हाइट पे लगा हुआ है, और वहाँ से जो 25 मीटर साइट लाइन तक कोई भी चीज़ को देख सकता है, तो जो ग्रीन पेज मन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर फॉर्म देना चाहोगे, तो ये हाइट हो गई उस पोल की जिसपे 24 मीटर हाइट पे कैमरा लगा हुआ, और ये जहाँ तक कैमरे की जो साइड लाइन है ये उसको देख सकता है, तो 25 मीटर हाइट तक देख सकता है। अब जो ग्रीन पेज बनेगा तो ये नीचे सर्कुलर जो बन रहा है, ये सर्कुलर टाइप का जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये इसका ग्रीन पेज है, तो ये जहाँ तक वो पूरे चारों तरफ से एरिया को वो कवर कर सकता है। तो इसके लिए अपने को यहाँ जो ये सर्कल बनेगा तो ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये रेडियस फाइंड आउट करने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका क्या है, बेस है, तो ये अपन फाइंड आउट करेंगे। तो ये 16 एक्सरसाइज में ऐसे बहुत आए हुए हैं, कोण वाली एक्सरसाइज में ये 25 और 24, तो यहाँ पर आपको ये बेस फाइंड आउट करना है। तो BC फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो ये 625 माइनस 576 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 49 हो गया, इसका रूट कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये 7 क्या है कि जो ये सर्कुलर मन रहा है नीचे, इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 हो गई। तो जो ग्रीन पिच है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्कल होगा तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसकी रेडियस कितनी है, 7 है, तो 22/7 × 7 का स्क्वायर लिख सकते हो या 7 × 7 लिख सकते हो, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 × 7 कितना हो गया, 154। तो यहाँ पर तो देखिए पूरा पूरा जो वैल्यू था वो अपना 7 आ चुका है, जो कि 22/7 से कैंसिल हो गया। कई बार जो वैल्यू है वो ऐसे दे देगा, जैसे आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के अंदर आएगा, तो इस तरह पॉइंट वाला भी आपको आंसर दे सकता है, अदरवाइज इसको थोड़ा इजी बनाना चाहिए तो ये आर की वैल्यू ऐसी देगा जो कि 7 से कैंसिल होने वाली होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन वो जो आपको ग्रीन पेज मन रहा है इसका एरिया पूछ सकता है। अब ये जो सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2019 के मेन एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन दो बार आ चुके हैं जो कि दो नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या दिया हुआ था, दोनों ही साल एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी पैटर्न दोनों क्वेश्चनों का सेम है। सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर था, उसमें कहा हुआ था कि ए और बी दो जो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस कितने हैं, 150 किलोमीटर है। अब यहाँ ए से बी के बीच में है ना 5 सिग्नल है, ये 1, 2, 3, 4, 5 मैंने काउंटिंग के द्वारा दिखाए गए हैं। अब अगर कोई कार आती है तो पहले सिग्नल पे 1 सेकंड रुकती है, दूसरे सिग्नल पे 2 सेकंड रुकती है, तीसरे पे 3 सेकंड रुकती है, चौथे पे 4 सेकंड, पाँचवें पे 5 सेकंड। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये सीरियल है वही सेम सेकंड में दे सकता है, अदरवाइज ऐसे भी कह सकता है 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे भी वो यहाँ पे सेकंड को चेंज कर सकता है। तो पहले सिग्नल पे 1 सेकंड, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पाँचवें पे 5 सेकंड गाड़ी रुक रही है, तो ए से बी तक वो गाड़ी कितने टाइम में पहुँचेगी आपको ये बताना है। तो उस गाड़ी की जो यूनिवर्सल स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एक स्पीड से ही चल रही है गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए अगर वो ए से बी तक
नहीं रुकती है गाड़ी, भी गाड़ी ए से बी तक कंटिन्यू जाए, बीच में कोई भी यातायात नहीं हो, यानी ट्रैफिक के कारण वो गाड़ी को बार बार सिग्नल पे रुकना पड़ रहा है, अगर कोई ट्रैफिक नहीं हो तब ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अपने पास टोटल जो डिस्टेंस है वो 150 है, स्पीड कितनी है उस गाड़ी की? 60 है। तो आपने साइंस में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो टाइम होता है वो क्या होता है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस 150 है अपॉन में 60 उसकी स्पीड है, तो टाइम कितना हो गया 2.5 आवर, क्योंकि पॉइंट में आएगा। जो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था उसमें ये आगे टाइम भी दे दिया था उसने, ये स्पीड और ये दोनों दिया हुआ था और आगे उसने टाइम भी दे दिया था, तो ये आपको फाइंड आउट भी नहीं करना, यानी ये दो लाइन आपको वहाँ पे नहीं लिखनी थी, आपको डायरेक्ट टाइम लिखना था। तो ये तो क्या है, विदाउट स्टॉपिंग है ये टाइम, भी कार जब बिना रुक के चल रही है ए से बी तक है, तब उसे कितना टाइम लग रहा है? 2.5 घंटे का टाइम लग रहा है। अब अगर कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया हुआ था तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि ए से बी तक गाड़ी कितना रुकती है, वो टाइम क्या है कि ए पहले पे, एक दूसरे पे, दो तीसरे पे, तीन चौथे पे, चार पाँचवें पे, 5 सेकंड रुकती है, तो कितना टाइम गाड़ी रुक रही है? 1+2+3+4+5। आप ये डायरेक्ट ऐड कर दो, अदरवाइज 1 से 5 तक जो सीरीज बनेगी उसका सम है, यानी ए पी बन रही है ये 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको आप पैटर्न से करना चाहो तो ए पी बना के कर दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट इनका सम कर दो। तो डायरेक्ट सम करते हो तो 1 और 2 3, 3 6, 4 10 और 5 15 होते हैं। अगर इसको अपन एपी से करते हैं तो भी 15 आए, अगर इसको अपन एपी से करते हैं तो ए की वैल्यू 1 थी, अन कितने 5 टर्म है तो अन की वैल्यू 5 है, डी कितना है 1-1 का डिफरेंस चल रहा था और एन यानी आपको 5 पदों का चाहिए, तो उसका लास्ट टर्म ए एन कितना था 5 था। तो अस अन का ये फॉर्मूला भी होता है अन बाई 2a+an, या दूसरा वो भी होता है अन बाई 2a+n-1a2d, उसे करो, या a और an दोनों ही दिए हो तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो s n कितना है, आपको 5 टर्म का सम चाहिए, तो s 5 = 5/2, a+an तो 1+5 कितना होता है 6 होता है, तो 5/2 × 6 करेंगे तो 2 को 6 कैंसिल करेगा, तो 3 × 5 कितना हो गया 15 आ गया। तो आप इस तरह से भी करो, बाकी सही है वो ज़्यादा, ये इस तरह का सही रहता है पैटर्न अपना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे भी उसने सही पैटर्न से उसको समझाया गया भी क्वेश्चन एपी का है या कौन से एक्सरसाइज का, तो 15 आ गया है। अब देखिए जो 2 घंटे और 30 मिनट लग रहा था वो तो जब कार बिना रुक के जा रही थी तब लग रहा था, अब 15 मिनट गाड़ी को सिग्नल पर रुकना पड़ गया, तो जो टोटल टाइम है जब गाड़ी रुक के जा रही है तब टोटल टाइम कितना ले रही है वो कार है, 2 घंटे 30 मिनट में ये 15 मिनट ऐड हो जाएंगे तो 2 घंटे कितने हो गए 45 मिनट हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन सेम का सेम पैटर्न 2019 में पूछा हुआ है, तो उसमें 2019 बोर्ड के अंदर ये भी 2 नंबर का पूछा हुआ है, तो यहाँ पे सिग्नल है वो थोड़ी ज़्यादा दे दिए हैं, तो ए से बी तक जो था डिस्टेंस वो कितना था 125 था, और उसने कहा कि कार है उसकी जो स्पीड भी दे रखी थी वो 50 की, और यहाँ पे उसने टाइम भी दे दिया था, तो ये डिस्टेंस को चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, यहाँ सिग्नल का नंबर चेंज कर सकता है, तो 2 साल से इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बुक के अंदर लास्ट पेज में ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन सेम, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है 125 है, और विदाउट स्टॉपिंग जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है 2 घंटे 30 मिनट ये दिया हुआ था। अब पहले सिग्नल पे 1 सेकंड, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे करके 8 सिग्नल है, तो आप डायरेक्ट सम करो तो 1+2+3+4 ऐसे करके 8 तक सम करो, अदरवाइज ए पी से करना चाहें अपन तो ए पी से ये सीरीज बन गई, जैसे अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था 1, 2, 8 तक ये सीरीज हो गई। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, लास्ट टर्म कितना है इसका 8 है, अन कितना है 1 से 8 तक कितने टर्म है अपने पास 8 है, डी की वैल्यू कितनी है 1, तो ए एन अन डी सब पड़े हैं, तो असन का फॉर्मूला ये लगा दीजिए अन बाई 2a+an, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अन की वैल्यू 8/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू 1+8, तो ये कितना हो गया 9, तो 8 को 2 कैंसिल करेगा तो 4 × 9 कितना हो गया 36 हो गया, तो जो गाड़ी है वो 36 मिनट वो क्या है 8 सिग्नलों पे रुक रही है, तो टोटल टाइम जो कार ले रहा है ए से बी तक कितना टाइम ले रहा है 2 घंटे 30 मिनट, तो जब गाड़ी नहीं रुक रही है तब लग रहा है, और 36 मिनट लग रहा है सिग्नलों का, तो टोटल कितना टाइम हो गया 2 घंटे 30 मिनट में आप 36 मिनट जोड़ोगे तो 3 घंटे और 6 मिनट हो गए। ये 2019 बोर्ड मेन एग्जाम में आया हुआ है, अब अपन क्वेश्चन करेंगे 2019 जो सप्लीमेंट्री में आया, तो 2019 सप्लीमेंट्री के अंदर क्या क्वेश्चन आया हुआ था, ये अभी जो 3 पेपर थे उनमें नहीं था, ये थोड़ा अलग टाइप का, ये पहले 8th क्लास में होते थे इस टाइप के सापेक्ष गति वाले। तो यहाँ पे उसने कहा था कि दो जो गाड़ी है उनकी स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है,
अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है ना तब तो वो 4 घंटे में 24 किलोमीटर, और अगर वो विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तब 344 किलोमीटर वो 4 घंटे में उनके बीच का वो डिफरेंस रहता है। तो आपको दोनों की स्पीड बतानी है। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, मान लो ए और बी एक गाड़ी थी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर जो उनकी एवरेज स्पीड होगी वो उनका क्या होता है, डिफरेंस होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा होती है तो उनको क्या होता है, एड होता है। तो ये क्या होगी, एक्स माइनस वाई उनका डिफरेंस हो गया। ये क्या है, उनकी स्पीड अपन एज्यूम कर लेंगे कि जो दो गाड़ी थी उनकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की क्या है y किलोमीटर पर आवर, उसको a और b आप उनको मान सकते हो, भी गाड़ी a और b है। तो यहाँ सेम डायरेक्शन में जब चल रही है दोनों, तो सेम डायरेक्शन में 24 किलोमीटर है वो 4 आवर के अंदर उनका बीच का जो डिफरेंस है। तो x माइनस वाई ये किनका डिफरेंस है, उनकी स्पीड का है। तो यहाँ पे अपने को 24 किलोमीटर दिया और ये 4 घंटे समय दिया हुआ है, तो ये क्या है, डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी क्या आएगी, स्पीड आएगी। तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 6 आ गया, उनकी जो सापेक्ष गति है वो। तो x माइनस वाई कितना हो गया है, 6 हो गया है। अब अगर अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही है तो वो ज़्यादा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, तब दोनों का जो स्पीड है उनका सम करेंगे तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई। सेम डायरेक्शन में हो तब आपको उनको सब्ट्रैक्ट करना उनकी जो एवरेज स्पीड है, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उनको आप ऐड करना है यहाँ पे। तो ये x प्लस वाई उनकी एवरेज स्पीड हो गई। तो यहाँ 344 दिया हुआ था कुल जो डिस्टेंस है, 4 घंटे जो समय लग रहा है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गई है, ये उसकी स्पीड हो गई है। तो 344 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 86 आ गया। कई ऐसे भी करते हैं, इस 4 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये उन दोनों की क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी। इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई होता तो ये डिस्टेंस का डिफरेंस होता, और ये कितना होता, 24 होता। तो उससे थोड़ा लेंथ ही हो जाता है। आप दोनों की क्या है, स्पीड से कर लीजिए, जबकि एक्स और वाई है उनको आप आराम से कैंसिल कर सको। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया है, 86 आ गया है। अब इन दोनों को अपन एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। तो एक्स माइनस वाई 6 है, एक्स प्लस वाई कितना है, 86 है। तो इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x कितना हो गया, 92 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 92/2 = कितना हो गया, 46। ये x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए या फर्स्ट में कर दीजिए, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ। तो 46 प्लस 6 कितना है, 86 हो गया। y की वैल्यू निकालेंगे, 46 राइट साइड में ट्रांसफर करोगे तो ये कितना आ गया, 40 आ गया। तो x की वैल्यू 46, y की वैल्यू 40। तो ये आपने जो दो व्हीकल थे उनकी स्पीड मानी थी, तो ये दोनों की स्पीड कितनी है, 46 और 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, अभी तक के जो पैटर्न है 2018 के भी अपन ने कर लिए हैं, 2019 के भी कर लिए हैं, तो इसी टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है। बस इनकी जो संख्या है वो चेंज कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इनको जो दिए हुए हैं, आपके पास प्रोबेबल्स है या आपके पास एक्सीलेंट है या कोई भी डेस्क वर्क है, तो उसके जो प्रत्येक मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कीजिए। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 29 और 30 को है, तो अभी एक ही दिन बचा है आपके पास, तो आप अच्छी तैयारी कीजिए और पेपर के अंदर स्पीड का भी ध्यान रखिए ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। ये नहीं हो कि आपका पेपर आपको आ रहा है और आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपका पेपर छूट जाए। तो आपको टाइम मैनेज करते हुए, कई बार बच्चे कैसे करते हैं, मैथ के जो 10 क्वेश्चन है उसमें भी 1 घंटा लगा देते हैं। तो अगर 1 घंटा आप 10 क्वेश्चनों में लगाते हो तो आगे आपके लास्ट जो 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आराम से छूटेंगे। तो आप जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है उनको आप कम से कम 20 मिनट के अंदर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने उनको 20 मिनट के अंदर कर लिए हैं तो आपका आगे का जो पेपर है वो एकदम स्पीड आपकी सही रहेगी। अगर उनको आप 1 घंटा ले रहे हो, 1.25 घंटा लगा रहे हो, तो आपका पेपर छूटेगा और बाद में टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण दिमाग वैसे भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें भी आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, एसएसटी हो चाहे मैथ, तो इन दोनों में अभी आप के पास 2 दिन बचे हैं। आप 2 दिनों में अच्छी मेहनत कीजिए, सभी को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए सभी को आपको बेस्ट ऑफ लक, आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर लाएं, यही दुआ है। कोई भी बच्चा फेल नहीं हो।